मेयर पद के लिए भाजपा से ब्रजलता हाड़ा, कांग्रेस से द्रौपदी कोहली के साथ तीन निर्दलियों ने भरे नामांकन। भाजपा दिखी एकजुट प्रभारी के साथ तमाम शीर्ष नेतृत्व के साथ नामांकन भरने पहुंची ब्रजलता हाड़ा। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में चार प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में चार दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने जयपुर में बाड़ेबंदी में मौजूद समस्त भाजपा पार्षदों के साथ राय शुमारी करने के बाद वार्ड 51 से विजयी हुई पार्षद ब्रजलता हाड़ा को मेयर पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसे पूर्व अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित मेयर पद के लिए वार्ड 47 से कुसुमलता, वार्ड 51 से ब्रजलता, वार्ड 52 से शीलम, वार्ड 19 से सीता टांग और वार्ड 21 से किरण तुनगरिया के नाम में से किसी एक पर सहमति बनाए जाने के लिए पार्टी में विचार विमर्श चला। इनमें से दो नाम वार्ड नंबर 51 से ब्रजलता और 47 से कुसुमलता के लिए आम सहमति बनी और पर्ची के माध्यम से कराई गई रायशुमारी में ब्रजलता का नाम अधिकतर पार्षदों की पसंद बन गया। आखिर आज नामांकन भरने के तय समय से पूर्व भाजपा चुनाव प्रभारी अरुण चतुर्वेदी, विधायक वासुदेव देवनानी, अनीता बधेल, वंदना नोगिया, धर्मेंद्र गहलोत, संपत सांकला, धर्मेश जैन, अरविंद यादव, शिवशंकर हेड़ा सहित समस्त पूर्व व वर्तमान पार्षदों के साथ नगर निगम में एडीएम सिटी व चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी गजेंद्र सिंह राठौड़ के समक्ष नामांकन प्रक्रिया संपन्न कराई गई। प्रभारी अरुण चतुर्वेदी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पार्टी में सब एकजुट हैं और सभी की सहमति से ब्रजलता हाड़ा को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया गया है और निश्चित ही वे मेयर बनेंगी और भाजपा का बोर्ड बनेगा। आज जो नामांकन भरा गया, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, क्या जो महापौर का जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया उसको लेके क्या भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं में नाराजगी है? मैंने जैसे पहले कहा कि पूरी पार्टी एकमुखी है, एकजुट है और सर्वसम्मति से ब्रजलता हाड़ा जी का नाम पार्टी ने तय किया है। किसी का अन्यथा मत नहीं था, सबके मत के एक मत के आधार पर हमने तय किया। क्या इसके लिए कोई काउंटिंग कराई गई या आपने व्यक्तिगत राय सबसे की? हमने सब पार्षदों से भी राय की और उसके बाद प्रदेश के नेतृत्व की सहमति, उसके बाद ही इस निर्णय पर हम पहुँचे। तो इसके लिए कोई मतदान वगैरह ऐसा कुछ हुआ अंदर? देखिए, सामान्य प्रक्रिया है कि हम चर्चा करते हैं, करने के बाद प्रत्याशियों से उसके आधार पर। जिलाध्यक्ष को लेकर के भी कोई चर्चा आई है कि कोई एक पद? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा जी हैं। आज की तारीख में उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने निगम का चुनाव लड़ा है और सारी प्रक्रिया को उनके नेतृत्व में पूरा कर रहे हैं। सर, अजमेर के दो बड़े पद एक ही घर के अंदर है, तो क्या इसके ऊपर कुछ चेंजेस आने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में? आज की तारीख में मैंने आपको कहा कि प्रियशील हाड़ा जी ही पार्टी के जिले के अध्यक्ष हैं। कल क्या स्थिति बनेगी इसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं है, अभी केवल महापौर उप महापौर दो ही विषयों के ऊपर। 8 तारीख को नामांकन से पहले भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी तय करेगी और सर्वसम्मति से, जैसे महापौर में हुआ है और हमारी परंपरा है, उसी तरह से हम मिल बैठ करके उस नाम को तय करके उसका भी चयन करें। आज भारतीय जनता पार्टी ने पार्षदों की सहमति और प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार श्रीमती ब्रजलता हाड़ा को अपना मेयर पद के लिए प्रत्याशी घोषित किया है। वो शीघ्र ही नामांकन करने आ रही हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि निगम में हमारा पूर्ण बहुमत है, निश्चित रूप से मेयर पद पर जीत करके और अजमेर के विकास में अपना सहयोग सहभाग करेंगी। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी का वापस 20 साल पुराना इतिहास दोहराया जा रहा है और एक अनुसूचित जाति की महिला पुनः बम्पर बहुमत के साथ में मेयर बनने जा रही है। नमस्ते अशोक। वहीं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर चुनाव प्रभारी शारदाकांत वैसादी कली के द्वारा वार्ड 44 से विजयी हुई पार्षद द्रौपदी कोहली को मेयर प्रत्याशी घोषित कर दिया गया।
शारदाकांत और सादिक अली के साथ निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन व तमाम पार्टी के कार्यकर्ता द्रौपदी कोहली के साथ नामांकन भरने रिटर्निंग अधिकारी गजेंद्र सिंह राठौड़ के समक्ष पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। शारदाकांत और सादिक अली ने भाजपा पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस परिवारवाद के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरी है और अंतरात्मा की आवाज़ पर हम वोट बनाएंगे। तीन बार पार्षद रही एडवोकेट द्रौपदी कोहली ही मेयर बनेंगी और शहर का विकास होगा। अजमेर के मेयर पोस्ट के लिए पार्टी ने चिंतन मंथन करने के बाद ये निर्णय लिया कि जो सबसे योग्य हैं, एडवोकेट हैं, 3 times विनर इन ए रो, ऐसी स्वच्छ छवि की प्रत्याशी को एक ऐसे प्रत्याशी के विरुद्ध खड़ा किया गया है जो परिवारवाद में विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरोप लगाती है कि परिवारवाद कांग्रेस में है। जीता जागता नमूना अजमेर के अंदर है। जिस प्रत्याशी को खड़ा किया गया है वो प्रत्याशी परिवारवाद से उनका संबंध है और स्वच्छ छवि के लिए, अजमेर के विकास के लिए, जो अजमेर में विकास की गति रुकी हुई है, कांग्रेस चाहती है कि अपनी आत्मा को टटोलो, अजमेर की जनता की आवाज़ को सुनो और ऐसे प्रत्याशी को मेयर बनाओ जो अजमेर का विकास कर सके। धन्यवाद। टिकट वितरण का काफी जिसके नाम पे सहमति, हमारे जो प्रदेश से प्रभारी बता रहे थे शारदा खान जी और सागिर साहब एमएलए साहब, उन्होंने सर्वसम्मति से सभी बड़े नेताओं से चर्चा की जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय के अंदर, और सभी हमारे जो जीते हुए पार्षद थे उनसे चर्चा करके सर्वसम्मति से जो पार्टी के ऊपर सबने छोड़ दिया था कि जो पार्टी निर्णय करेगी वो फाइनल है, और उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि हमारी जो है सीनियर और तीसरी बार जो पार्षद बनी हुई द्रौपदी देवी जी को हमने अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। बहुमत सब साबित होगा हमारे पास, हमारे पास जादू ही आंकड़ा है। वो कोई मैटर नहीं है, वो हम विड्रॉ करा लेंगे, पार्टी एक जगह है। मैंने आज इन्हें महापौर के पद के लिए नामांकन दाखिल किया है कांग्रेस पार्टी से। अब क्या लगेगा कि 3 जने भरे हैं अभी तक? अभी 3 जने पार्टी ने, हम तीनों को आदेश दिया कि आप एक बार फॉर्म तो भर के आइए, फिर बाद में पार्टी जिसके ऊपर भी अधिकृत करती है वो चुनाव लड़ेगा। मैंने, मुझे आला कमान का आदेश आया है, उसी के अनुसार मैंने अपना फॉर्म भरा है। आला कमान के आदेश के अनुसार मैंने अपने कांग्रेस पार्टी से अपना फॉर्म भरा है और जमा करवाया है। मैं पिछले बार भी अजमेर में सबसे अधिक रिकॉर्ड से जीती थी और इस बार भी मैंने अजमेर में कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड बनाया है। उसी के अनुसार उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि मैं महापौर का चुनाव लड़ूं, ताकि मतलब मैंने अपने वार्ड से कभी भी किसी भी, मतलब चाहे रघु शर्मा जी के हों या जो झुंझुनवाला के या हेमंत भाटी जी के, सभी को मैंने हर बूथ से जितवाया ही है। कभी भी मैंने हार का सामना नहीं किया है, कभी मैंने हार उनको नहीं दिखाई है। कांग्रेस पार्टी की जीत दिला के उनकी झोली में हमेशा डाला है, उसी उन्हीं के आदेश अनुसार मैं अभी अपना फॉर्म भरा। कांग्रेस से 2 कैंडिडेट और खड़े हुए हैं, तो क्या टक्कर है आपस में? ये आला कमान का आदेश मुझे है कि जमा कराना है, उनके बारे में वो अपना राय दे सकते हैं। आला कमान हमारे हेमंत भाटी जी हैं, रलावता जी हैं, राजकुमार जयपाल जी हैं और भी जो हैं अजमेर के सभी। आला कमान का आदेश है, सभी है मेरे लिए, तो आदेश तो सभी है, आला कमान तो सभी है, सभी का आदेश है। हाँ, गुटबाजी चल रही थी, चल रही थी नहीं, नहीं नहीं, अभी सब गुटबाजी नहीं है और सभी एक हैं और उन्होंने मुझे आदेश दिया है। वो रणनीति अपनी बना रहे हैं हमारे आला कमान, जो भी होगा वो बात चलेगी। डिप्टी मेयर के लिए भी आला कमान का आदेश होगा तो जरूर होगा। वहीं मेयर चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि मेयर पद के लिए कुल 8 फार्म भरे गए हैं, जिनमें 2 भाजपा की ब्रजलता हाड़ा द्वारा, 1 कांग्रेस की द्रौपदी कोहली के द्वारा और 3 निर्दलीय जिनमें चंचल, पिंकी और काजल यादव ने नामांकन भरा है। 4 फरवरी को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद 7 फरवरी को मतदान होगा और मतदान के तत्काल बाद मतगणना के साथ ही चुनाव परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। हाँ, आज हमने मेयर पद के लिए नामांकन भरा है। हम है ना अपने वार्ड से 43 से निर्दलीय निर्वाचित हुए थे और इसी प्रकार निर्दलीय के दम पर ही हम यहाँ पर मेयर का फॉर्म भरने आए हैं। आधार कुल मिला के 8 फार्म भरे गए हैं, 2 ब्रिजलता आडा जी ने भरे हैं जो बीजेपी से कैंडिडेट हैं, और 1 फार्म द्रौपदी जी ने लगाया जो कांग्रेस से अधिकृत उम्मीदवार हैं।
इसके अलावा चंचल और पिंकी, इन दोनों ने भी कांग्रेस से भी फार्म लगाया है और निर्दलीय के तौर पर भी भरा है। काजल ने भी एक निर्दलीय के तौर पर फार्म लगाया। कुल मिला के 5 कैंडिडेट हैं, 8 फार्म। सर, मंत्रालय में कैसी प्रतिक्रिया रहेगी? कल 10:30 बजे से स्क्रूटनी शुरू की जाएगी और जो उम्मीदवार जिनके फार्म सही पाए जाएंगे उनकी सूची शाम तक लगा दी जाएगी और 4 तारीख को 3 बजे तक वो वापस नाम ले सकता है कोई भी उम्मीदवार और 7 तारीख को 10 बजे से मतगणना मत डाले जाएंगे। परिणाम मतगणना के तुरंत बाद आ सकता है। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट। रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस बैंक कॉलोनी चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर।